तो भाई लोग आज डिस्कशन करेंगे आरडीजे की डॉक्टर डूम कौन सी यूनिवर्स का है, वांडा की इम्पोर्टेंस इस मल्टीवर्स सागा में, डूम की असली पर्पस, ये सब भी समझेंगे, डूम कैसे कैंग को रिप्लेस करने वाला है जहां इतने सारे कैंग की बारात को दिखा दिया। इसकी पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन या ऊपर फ्लैश हो रही है। तो हवा में ना बात करते हुए लेट्स टॉक अबाउट पीस इन आवर टाइम। Faced an enemy unlike any other. Tony Stark and Doom share a unique connection. काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से अभी पता चल रहा है आरडीजे की डॉक्टर डूम को अपकमिंग फैंटास्टिक फोर फिल्म में देखेंगे। यानी इस 60s के रेट्रो फ्यूचर से आरडीजे की डॉक्टर डूम है, जो सही भी है, बिकॉज डॉक्टर डूम को डायरेक्ट डूम्स डे में दिखाना मीन कैरेक्टर की कैरेक्टर आर्क को वेस्ट करना होगा। डॉक्टर डूम जैसा कैरेक्टर को पहले कुछ मूवी में बिल्डअप, देन उसे उसकी मोटो से हमें परिचित करना। जो उसके मोटो होगा वो मैंने पहले वाला वीडियो में कवर किया था, फिर भी इसमें शॉर्ट में कह देता हूँ, डॉक्टर डूम डूम्स डे में विलेन जैसा इंट्रोड्यूस नहीं होगा। पहले इस क्वोट को सुनो। New mask, same task. New mask, same task. उनकी इस डायलॉग से क्लियर हो जाता है आयरन मैन से डॉक्टर डूम बनी है, मगर अभी भी वो बचना ही चाहता है। हालांकि तरीका गलत है, मोटो से ये हम बेगनी की जैसा इनकर्सन से जब सारी यूनिवर्स मरने लगेगा तब वो मल्टीवर्स को एक जगह लाएगा जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में बैटल वर्ल्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। बैक टू टॉपिक, इसी फैंटास्टिक फोर फिल्म से मार्वल डॉक्टर डूम को शो करता है तो हम इस कैरेक्टर से काफी हद तक कनेक्ट कर पाएंगे। फिर डूम्स डे में इस कैरेक्टर की कैरेक्टर आर्क पीक में रहेगा जहाँ इसकी असली मोटो समझेंगे। जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले आता है, डॉक्टर डूम की असली पर्पस क्या है? वेल, जैसा मैं कहा, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके सिंगल यूनिवर्स क्रिएट करना जो उसके अंडर कंट्रोल रहेगा। इस नए यूनिवर्स में वो गॉट एम्पायर डूम बनेगा, बिकॉज वो नहीं चाहता आगे चल के कोई प्रॉब्लम आए। टेक्निकली देखा जाए तो डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके सिंगल यूनिवर्स भी नहीं बनाएगा, बिकॉज हर यूनिवर्स से ब्रांच लाइन निकलता है। तो डॉक्टर डूम अगर कोई यूनिवर्स को बनाता है तो उससे भी ब्रांच लाइन निकलेगा, दैट इज मीन फिर से मल्टीवर्स क्रिएट होने लगेगा। मेरा मन है डॉक्टर डूम वॉइड को शिप देगी जो आगे चल के बैटल वर्ल्ड नाम से जाना जाएगा। वॉइड कोई यूनिवर्स के अंदर नहीं आता, वो शून्य है, खाली है, एंड इसी कारण टीबीए हर किसी को इधर ही सड़ने के लिए भेज देता है। ये कोई टाइमलाइन के अंदर भी नहीं आता, विच मीन्स अब कुछ भी करो क्यों ना ब्रांच लाइन नहीं निकलेगा। दूसरा रीजन, सुजन रीड रिचर्ड की बीबी। कॉमिक फैंस नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मार्वल की ग्रेटेस्ट विलेनी सुजन के ऊपर मारती है, ऐसा नहीं नेमर भी है, खैर वो अलग बातें। अभी डॉक्टर डूम के पास ही आते हैं। फैंटास्टिक फोर फिल्म की एंड में डॉक्टर डूम को सामो किसी तरह की सोर्स मिलेगा जिससे वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके एक नया यूनिवर्स बना सके जहाँ सुजन उसके साथ रहेगा, एंड इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसके आगे जो भी आएगा उसको मार देगा। मेरा मतलब सारे एवेंजर्स को भी। थैनोस इन्फिनिटी वॉर में आधे एवेंजर्स के साथ आधे पॉपुलेशन को वाइप आउट किया था, तो क्या डूम जैसा कैरेक्टर डूम्स डे में आधे से ही काम चलाएगा? ये मल्टीवर्सल ट्रेड है, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके सिंगल यूनिवर्स क्रिएट करना है इसकी सोच। तो हाँ, सबको ही मार देगा जिसके बाद इस नए यूनिवर्स में रूल करेगा सुजन के साथ। ऑब्वियसली सुजन की मेमोरीज वाइप आउट रहेगा। हम जितने भी हीरोज को जानते हैं उन सबको मारने के बाद वो फिर से उनको रिजरेक्ट करेगी उसके नया इस बैटल वर्ल्ड में, जहाँ उनकी जब आँख खुलेगा वो देखेगा उनके पास वो सब है जो कभी वो सोचा था। जस्ट लाइक स्ट्रेंज क्रिस्टन के साथ रहेगा, वांडा अपने बच्चों के साथ, मार्क स्पेक्टर के अंदर कोई भी पर्सनैलिटी नहीं रहेगा, पीटर की आंट में अंकल बेन जिंदा है, ओवरऑल हर कैरेक्टर की मस्त जर्नी लाइफ। प्रोबेबली इनकर्सन का कोई भी चीज उनको याद ही ना रहे, बिकॉज डॉक्टर डूम सबकी मेमोरीज को वाइप आउट कर देगा। रीजन सिंपल है, उनको ये सब याद रहा तो वो कभी भी डूम की प्लानों पर पानी फेंक सकता है, और रियलिटी को इस लेवल की ऑल्टर करने के लिए डूम की मदद करेगा वांडा या वांडा ही होगा। जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन वांडा की इंपॉर्टेंस इस मल्टीवर्स सागा में ले आता है। हमें पता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की मौत नहीं हुई थी, और इसी मूवी में वांग भी कहा था स्कारलेट विच की डेस्टिनी है मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना या रीराइट करना। इस क्वोट को मान के चलो तो यानी स्कारलेट विच की मौत अब भी नहीं हुआ, वो किसी जगह ट्रैप है या किसी जगह जा चुकी है जहाँ डॉक्टर डूम भी जाएगा जब गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर में इनकी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। उस टाइम फैंटास्टिक फोर तो एमसीयू में आ जाएगा, लेकिन डूम मल्टीवर्स की किसी मिस्टीरियस जगह पहुंच जाए, देन मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर मिलने की बात हर यूनिवर्स से मोस्ट पावरफुल बींग को अपनी टीम में लेगा, जिस टीम की एक प्रोमिनेंट मेंबर वांडा भी होगा। ऐसा बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, वांडा डूम के साथ काम करेगा। देखो वांडा को अपने
बच्चे चाहिए। और डूम जो नया वर्ल्ड बनाएगा उसमें टेक्निकली देखा जाए तो डूम रियलिटी को अल्टर करेगा, जिसके लिए वांडा की मदद चाहिए, बिकॉज उसे रियलिटी को चेंज करना बखूबी आता है। साथ ही किसी को नया मेमोरीज भी देना, जो हमें वांडा विजन शो से पता है। डॉक्टर डूम एंड वांडा की केमिस्ट्री कॉमिक में भी दिख चुकी है, तो ऐसा ही कुछ देखेंगे 69% कन्फर्म के साथ कह रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन रहता है, मार्वल कैसे डॉक्टर डूम को कैंग से रिप्लेस करने वाला है। वेल, मेरी नजर में दो पॉसिबिलिटी है। पहला, डॉक्टर डूम के हाथों मूवी की इनिशियल टाइम में काउंसिल ऑफ कैंग को मार दो, जिससे डूम की पोटेंशियल ऑडियंस समझ जाएगा। या फिर डूम स्टे में ये एक्सप्लेन कर दो कि टीवीए के हाथों में सारे कैंग्स की वेरिएंट का मौत हो गया है, जैसा लॉकी की सीजन 2 की एंड में हमें टीस दिया गया था। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो मार्वल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। कैंग जैसा कैरेक्टर जिसकी पूरे बारात को दिखा दिया, अब उसकी वैल्यू क्या है? ऐसे भी सुपर हीरोज की फिल्म में लॉजिक तो नहीं होता, उसके भी ऊपर गांडोगिरी। खैर, आपको क्या लगता है वो इम्पोर्टेंस है जो आप कॉमेंट में बताओ, मैं भी देखना चाहूँ आपकी सोच क्या है। और हाँ, अभी और भी चीजें हैं जिनके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, तो तैयार हो जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।